स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा, चैनल पे नए नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भवन सिंह जी का एक गाना आ जाता है और गाना जो है मतलब मुझे तो काफ़ी इंटरटेनमेंट लगा, इंटरटेनिंग वाले गाना भी है और मुझे इंटरटेन किया भी ये गाना। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो इंटरटेन ये गाना नहीं कर पाया, दैट्स हिज ओपिनियन। तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई आपको इंटरटेन अगर नहीं किया तो आप आके क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये गाना पसंद नहीं आया, चलो ठीक है आप इतना कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई ये गाना तो फ्लॉप हो गया। मतलब अब ये गाना फ्लॉप हो गया कैसे हो गया भाई, थोड़ा यार डिटेल में समझाओ हमको भी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बस तुम कह दिए कि फ्लॉप हो गया तो कैसे हुआ, भोजपुरी का ग्रोथ रेट वन डे का अगर 48 आवर का ले लिया जाए, 24 घंटा छोड़िए 48 घंटे का, जैसा कि यूट्यूब वन डे देता है, तो हाईएस्ट व्यू 16 मिलियन है किसी भी भोजपुरी सॉन्ग का, वो पवन सिंह के गाने ही गए हैं 16 मिलियन वन डे में। और कई एडवर्टाइजमेंट भी उस पर लगाए जाते हैं भोजपुरी के गानों पे, जो कि 10 मिलियन से क्रॉस करता है मैक्सिमम गाने। जैसे लाल घाघरा को ही ले लो, एड लगाया गया था या हर एक गाने पे लगाया जाता है, तो वो 15-16 मिलियन जाता है, खूब उसके बवाल प्रचार होता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, तब जाके वो गाना 15-16 मिलियन जाता है। लेकिन आज जो गाना आया था पवन सिंह जी का बीच जयमाल पे, इस गाने के साथ ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही इस पे कोई एड लगा हुआ है, इसके बावजूद ये गाना जो है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 15 घंटे में 23,49,000 जा चुका है, मतलब 2.3 मिलियन। भाई इस हिसाब से तो ये खुद अपने दम पे जो है वो 48 आवर में 5-6 मिलियन जाएगा। और अगर भोजपुरी का कोई गाना वन डे में अगर 6 मिलियन व्यूज ला के फ्लॉप हो रहा है तो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग क्या है वो जरा हमें समझाना। तो फिर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हम किसको कहेंगे, कौन सा हिट गाने हैं। यहां तक कि हरी हरी ओढ़नी जो कि अभी भोजपुरी का नंबर वन गाना है वो भी वन डे में 4 मिलियन ही गया था और आज उस पर 68 मिलियन व्यूज है, तो वैसे तो वो भी फ्लॉप हो गया ना फ्लॉप। वैसे तो उस गाने को भी हम कहेंगे कि भाई वो तो फ्लॉप गाना है। तो यार देखो क्या है कि यहाँ जो थोड़ा जंग पकड़ लिया है इसको साफ करो, मेंटालिटी बदलो। ये जो मेंटालिटी बना के रखे हो ना कि चार वीडियो खेसारी लाल के विरोध में डालना है, फिर एक वीडियो पवन सिंह के सपोर्ट में डालना है, फिर चलो बहुत ज़्यादा खेसारी लाल का विरोध हो गया तो एक वीडियो जो है पवन सिंह के विरोध में डाल दो ताकि ऑडियंस का बैलेंस जो है ना वो बना रहे, ताकि दोनों के फैंस जो हैं वो हमारे चैनल पर रहें, ताकि मेरा चैनल का ग्रोथ जो है वो बना रहे। इतना चुतिया मत बनाओ पब्लिक को। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपको भी लगता है ये गाना फ्लॉप हो गया है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, लव यू।